टुडे आवर टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। व्हाट हैपन व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स। ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड वी नो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस what happens when salt and water is formed. acid we know acid plus base after reaction make salt and water. acid plus base salt plus water same manner जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से होती है क्या बनता है मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है साल्ट बनता है और वाटर बनता है। यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है बेसिक नेचर का होता है। रिएक्शन में कैसे रिएक्ट करता है बेस की तरह। तो एसिड और बेस क्या बनाते हैं साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इसी तरह से मेटल ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे हम कॉपर ऑक्साइड लेते हैं CuO प्लस इसकी रिएक्शन CuO किस फॉर्म में सॉलिड फॉर्म इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में है एक्वस फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में है। कॉपर ऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं कॉपर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड सेकेंड क्योंकि यहाँ पे कॉपर बैलेंसी टू है ऑक्सीजन बैलेंसी माइनस टू कॉपर की प्लस टू यहाँ पे इसलिए इसको सेकेंड बोला जाता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड और जब एसिड रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा साल्ट बनेगा और वाटर। तो वाटर यहाँ से हम रिमूव करते हैं तो 2H यहाँ से वो क्या बन जाएगा H2O और क्या बचेगा यहाँ से ये Cu और यहाँ का Cl क्या बन जाएंगे दोनों Cu Cl2 क्यों बनेगा क्योंकि कॉपर की बैलेंसी 2 क्लोरीन की 1 फार्मूला क्या बनेगा Cu Cl2 प्लस वाटर H2O। तो अगर हम किसी बीकर में कॉपर ऑक्साइड लेते हैं यहाँ पे हमने कॉपर ऑक्साइड लिया जो ब्लैक कलर का है कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है ब्लैक। इसमें हम क्या करेंगे HCl मिक्स करेंगे डाइल्यूट HCl डाइल्यूट एसिड HCl का मिक्स करेंगे। मिक्स करने पे क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन होगी स्लोली स्लोली रिएक्शन होगी और ये जो सोलूशन बनेगा इसका कलर चेंज हो जाएगा इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका कलर कैसा हो जाएगा ब्लू ग्रीन पहले क्या था ब्लैक कलर था यहाँ पे कलर पहले क्या था ब्लैक कलर था यहाँ पे और जब यहाँ पे HCl मिक्स किया गया
तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, कुछ ब्लू टाइप का सोल्यूशन यहाँ पे बन जाएगा। और ब्लू ग्रीन कलर क्यों आता है? क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड होता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू ग्रीन कलर। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लू ग्रीन होता है। इस तरह से मेटल ऑक्साइड और एसिड जब रिएक्शन करते हैं क्या बनता है? साल्ट बनता है, वाटर बनता है। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? HCl से कराते हैं। कैल्शियम क्या है? मेटल है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का मेटल का ऑक्साइड होगा, बेसिक नेचर होगा। HCl से रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, वाटर। तो इस रिएक्शन में भी उसी तरह से हम वाटर पहले रिमूव कर देंगे, यहाँ से O, यहाँ से H, क्या बनेगा? यहाँ पे 2HCl हम ले लेते हैं, तो क्या बचेगा? Cl बचेगा और Cl2 बचेगा, Cl बचेगा, Ca और Cl बचेगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा? CaCl2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन वैलेंसी 1। फार्मूला कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरह से अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से, तो जिंक ऑक्साइड, जिंक यहाँ पे मेटल है, इसका ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रांग बेस है यहाँ पे H2SO4। क्या बन जाएगा? वाटर H2O, यहाँ से H2 हम रिमूव करेंगे, क्या बनेगा? H2O प्लस ZnSO4। ओके, इस तरह से मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं।